हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और निर्मल भाई और मैं तो रात भर सोए ही नहीं है। अपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम मुक्तेश्वर आए हुए ना, तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी हमको सुबह सनराइज देखने की। मैं एडिट कर रहा था, मैंने 2 ब्लॉग एडिट भी कर लिए और बस ऐसे ही बस फ़ोन चला रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पूरी रात ऐसी निकल गई, सोए नहीं है। बाकी पीयूष और सहल तो अपना मस्त सो रहे हैं और अभी उजाला होने वाला है, ऑलमोस्ट हल्का तो हो ही गया है। अरे वाह, सुबह सुबह का व्यू देखो, बादल कितने मस्त लग रहे हैं। तो अभी सनराइज़ होगा वहाँ से, तो बहुत प्यारा व्यू आएगा। इस तरह का व्यू मैंने लाइफ में पहली बार देखा है, इतने बादल पहाड़ों पे, वो भी इतनी सुबह सुबह। 5:41 हो रहे हैं अभी। तो गाइज, ये था हमारी तरफ से आप लोगों के लिए सरप्राइज कि मैंने ड्रोन ले लिया और आपने शॉट भी देखा। लेकिन पोपट हमारे साथ में बहुत हुआ है, बैटरी खत्म होगी और खो गया, हमको दिख ही नहीं रहा था कहाँ पे था, फिर एकदम से आया ये। थोड़ा बहुत जो शॉट लिया है वो आपने देख ही लिया होगा, 2-3 बार तो ठुक भी चुका है यहाँ पे। 6:18 हो चुके हैं तो सबको हम उठाते हैं, हम तो सोए भी नहीं क्योंकि अब अच्छे से उजाला भी हो चुका है, मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बट हमको सनराइज देखने को नहीं मिला बिकॉज पूरे बादल ही बादल लगे हैं, तो सबको उठाते हैं और फिर चलते हैं कहीं पे। अरे भाई लोगों, उठो, 7 बजने वाली है। भाई लोगों, पीयूषी, पीयूषी उठो, साहिल उठो, 7 बज गए, चलना है यहाँ से। क्या करोगे यहाँ? होपफुली आपको मेरे ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। अभी नया नया ड्राइवर हूँ मैं, पायलट हूँ, कुछ भी कह लो, ड्रोन उड़ाने के लिए अभी सीख रहा हूँ। 2-3 बार तो मैंने क्रैश भी कर दिया, एक बार जंगल में खो भी गया था, फिर अपने आप वापस आ गया, पता नहीं कैसे, जो भी है, लेकिन बच गया हमारा। एक बार तो खोने से बच गया और 2-3 बार तो टकरा के बच गया। बाय द वे, कल मैंने आपको रिजॉर्ट का टूर नहीं दिया था, रूम का टूर नहीं दिया था, तो मैं आपको आज कंप्लीट टूर दे देता हूँ, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो हमारी बालकनी है जहाँ पे कुर्सियाँ वर्सियाँ टेबल लगी है, जहाँ पे बैठ के हम फुल चिल कर रहे थे। और ये एक रूम है, यहाँ पे अभी पीयूष और सहल तो सोए हैं, उठे ही नहीं है। एक बेड है जिसपे, मतलब हम तो सोए नहीं, ये दोनों ही सोए थे। बाकी यहाँ पे हीटर भी है, एसी तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत ठंडा है ना, हीटर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। और टीवी है, इतना कुछ सिस्टम है। ये बैठने के लिए चेयर है जहाँ मैंने रात को बैठ के एडिटिंग करी थी, लैपटॉप यहीं पड़ा है मेरा। और यहाँ से, यहाँ निर्मल भैया और यहाँ से भी काफ़ी तगड़ा व्यू है वही पहाड़ों का, यहाँ पर गार्डन भी है। तो इस रूम पर यहाँ जाके, यहाँ पर वॉशरूम है और यहाँ पर ये अलमीरा है, मिरर है, और एक रूम यहाँ पर है जहाँ पर वॉइड सर रात भर सोए थे। हम तो सोए नहीं रात भर, पता है आपको? तुम लोग आए नहीं सोने यहाँ पे? नहीं, आप अकेले सो रहे थे यहाँ रात भर, इतने बड़े रूम में देखो। और इनके रूम से देखो व्यू, यहाँ से तो और भी मस्त लग रहा है, पूरे बादल ही बादल हो रहे हैं देखो। और यहाँ भी बैठने के लिए है, बाकी ये पूरा वुडन का है इसलिए हमको यहाँ पे सर्दी कम लगी। अभी अभी देखो पूरा फॉग हो गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लगा रखा है, तो जो हमारा रूम था वो ऊपर था, अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाले काफी प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं, बाकी बहुत प्यारा रिजॉर्ट है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ की ये यह है कि यहाँ पे डॉग को भी ला सकते हैं, मतलब हम ओरियो को लेके भी आ सकते हैं अगर मैं फैमिली के साथ में आऊँ तो। यहाँ पे तो ये वाला एरिया पूरा रिजॉर्ट का ही है देखो, यहाँ पे बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं। रात को यहाँ पे बैठे थे सब, आग वाग लगी थी, मस्त हाथ सेक रहे थे। हमारे अलावा अभी तक कोई उठा ही नहीं है पूरे रिजॉर्ट में, और हम तो सोए नहीं थे पहली बार, उठने की क्या बात है। और हम ड्रोन उड़ा रहे थे सुबह 5 बजे, 2-3 बार क्रैश भी कर लिया। बाकी गेम्स वगैरह हैं जो कि आपने लास्ट ब्लॉग में देख ही होंगे, कल हमने डिनर के बाद खेले थे, और बस और भी कुछ होगा लेकिन हमको इतना कुछ पता नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी पता था वो आपको दिखा दिया है। भागी टी शर्ट थोड़ी लूज। तो अभी साहिल तो उठ चुका है, जल्दी ट्रेंडिंग चेक कर, तेरा ब्लॉग 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, 2 नंबर पे पीयूषी, 2 नंबर ट्रेंडिंग, खड़ा खड़ा 2 नंबर ट्रेंडिंग, 2 नंबर ट्रेंडिंग, उठ, 2 नंबर ट्रेंडिंग, उठ, उठ, 8 बज चुके हैं यार। भाई साहब बाहर देखो पूरा गायब हो गया, आमने सामने के पूरे पहाड़ गायब। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं यार। ये देखो सीधा सो के उठा है और सीधा ब्रेकफास्ट करने जा रहा है, तो लेट उठेगा तो ऐसी होएगा भाई। तो 5-6 बजे से उठा रहा हूँ मैं। हम तो पूरी रात भर भूखे हैं, मतलब रात भर सोए नहीं थे तो भूखी लगी जा रही थी, तो बस ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे कि कब ब्रेकफास्ट मिले हमको, और अब जाके मिल रहा है 8 बजे। सीधा सो के उठ के ब्रेकफास्ट, चल देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। अरे देखते हैं, मैं तो फ्रूट्स लूँगा यार, सेवियाँ ही हैं। सीधा ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, तो क्या लेगा? कुछ नहीं,
तो आया क्यों फिर? सोया रहता भाई, कुछ खा ले फिर, रास्ते में नहीं मिलेगा कुछ। तो ब्रेकफास्ट करके आ गया, पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। पीयूष ने तो कुछ भी नहीं खाया। तो अभी गाइस रेडी हैं हम निकलने के लिए, पैकिंग कर लिया सब कुछ, और धूप भी आ चुकी है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, धूप की बहुत ज़रूरत थी। यहाँ के लग रहा है धूप मिल जाए, हल्द्वानी में जाके लगता है कि ठंड मिल जाए, कहीं भी चैन नहीं है। मुँह धोया? मुँह धोया? झूठ मत बोल। पता है तो क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसे मीम बनेंगे। चल 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 अब चल चल, हो गया। तो गाइस ये हमारा बेचारा ड्रोन जिसको हम सुबह से 3 बार उड़ा चुके हैं और 2 बार ठोक चुके हैं, 1 बार खोने से बचा चुके हैं। अब इसको वहां पे चला गया था फॉग में, फिर दिखाई नहीं दिखा और सिग्नल चले गए। ओ भाई, फिर अपने आप पता नहीं अपने आप वापस आ गया था। अबे अबे out my body when I'm tempted, I told her one more, she and me say you quit or she dipping. Yeah, yeah, I don't want pain no more, I don't want no more pain, I ain't gonna see no way, look at that. कहाँ गया? कहाँ भागा? ऊपर? दिख ही नहीं रहा, बस लैंड ना करे, ऊपर रहे, सिग्नल आता है तो। क्या हो रहा है? अरे भाई, यार ये गलत है यार, लैंड हो गया वो। अरे वाह वाह वाह, आ गया आ गया आ गया। चलो 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 चलो। इस रेजोर्ट पे हम 1 दिन रुके, बट काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। फिर कभी आएंगे फैमिली के साथ में, क्योंकि ओरियो को भी ले आ सकते हैं हम यहाँ पे। यूजुअली होटल्स वगैरह में, रेजोर्ट वगैरह में डॉग्स को अलाउ नहीं करते ना। तो आज पूरी गाड़ी में चलेगा फटी जीन्स। आज चलेगा फटी जीन्स। गाइस मेरे को नींद आ रही है, गाड़ी कौन चलाएगा? आप चलाओ, आप सोयो, आप भी नहीं सोयो, आप नहीं चलाओगे। मैं तो चला लूंगा आराम से। आप आगे आ जाओ इधर, मैं पीछे सोऊंगा। तो चलो गाइस मैं सोता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस फाइनली हम नॉन स्टॉप सीधा घर पहुँच गए। तो गाइस घर तो पहुँच गया, लेकिन मुझे तो बस नींद ही आ जा रही है, नींद ही आ जा रही है। बाय द वे वॉइड सर आज हमारे घर में फर्स्ट टाइम आए। ओलू क्या कर रही थी? मुझे मिस कर रहा था। कितना? मुझे बहुत याद आती है। अच्छा याद आती है आपको, चलो कोई बात नहीं, आगे से आपको भी लेके जाएंगे, ठीक है? तो अभी देखो गाइस कितना खुश हो गया ये मेरे को देख के। हैरी खुश हो गया? बहुत ज्यादा खुश। तो अभी फिलहाल लंच करते हैं बिकॉज सुबह भी थोड़ा सा ही खाया था। मम्मी जी खाने में क्या बना है? खाने में दाल है, दाल चावल, कड़ी दाल चावल और कड़ी चावल, दाल कड़ी एंड चावल। तो आज हम भी डाइनिंग टेबल पे खाएंगे बहुत दिनों के बाद। अरे मैं ले लूंगा, आप ले लो। नहीं नहीं हाँ दो, मैं तो खाऊंगी। तो अभी थोड़ी देर यहीं चिल करते हैं क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहे हैं ना। बाय द वे पीयूष के ट्यूशन टीचर भी आने वाले हैं, उनको बुला रहे। वैसे तो सुबह सुबह आते हैं बट हम लेट हो गए आने में, तो अभी शाम को पढ़ा देंगे इसको। तो डर लगता है टीचर से? ट्यूशन टीचर नहीं लगता? मैं बोलूंगा उनको, मैं बोलूंगा उनको कि टाइट रखे तेरे को। खुश हो गया ये हमारे आने के बाद? देख कितना खुश लग रहा है। तो फिलहाल ओरियो हमारे साथ में यहाँ पे आके सो गया है। फोटो खींच रहा है क्या? मस्त खींचो, रुक जा। अरे वाह, फोटो देख तू मजा। हैं ये क्या कर दिया? चेहरा मत बिगाड़, नॉर्मल फोटो की। ये क्या है? ये क्या है? आपकी शक्ल है। हेलो सर। हेलो। तो ये पीयूष के सर आ गए, ट्यूशन टीचर। वैसे तो सुबह ही आते हो ना आप? हाँ, आज आप लोग लेट आए ना। हाँ पीयूष जी रेडी है? इसको अच्छे से खींच के लेना, खींच के। कल तो दो ही सब्जेक्ट पढ़ाए थे परसों। अच्छा तो पीयूष तो अपनी पढ़ाई करेगा, ट्यूशन टीचर आ गए हैं। मैं सर को हमारी सोसाइटी घुमा रहा हूँ, इनको बहुत पसंद आ रही है सोसाइटी। मतलब मेरे को मैं बता रही हूँ, ये सोसाइटी ना ऐसे लग रही है जैसे मूवीज नहीं होती है गोवा में जो शूट होती है। एकदम मूवीज की तरह है, मतलब मेरे को भी देखते ही पसंद आ गया था। मैंने कहा हाँ भाई घर तो यहीं लेना है, क्योंकि एकदम शांति है ना, कोई देखो कोई ज़्यादा लोग नहीं है, और प्राइवेसी भी है, सिक्योरिटी भी है, और लोग भी सही काफ़ी अच्छे अच्छे रहते हैं यहाँ पे। तो अभी सर जा रहे हैं अपने घर अल्मोड़ा, गाड़ी आ चुकी है, फिर मिलेंगे जल्दी। मिलेंगे अगली बार अल्मोड़ा में ही मिलेंगे, अल्मोड़ा में मिलेंगे। थैंक यू सो मच अपने इतने ढेर सारे प्यार के लिए, और मुझे पता है सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत लोग वेट कर रहे थे इस पहाड़ी को लैब के लिए, और आपको मिल गया, एंड आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जाने से पहले एक कड़क चाय जरूर पी लेते हैं। ओके बाय बाय बाय। ओलू ड्रोन उड़ाए? तो अभी फिलहाल मैं सोचा था कि छत में उड़ाता ड्रोन, आपको अपनी सोसाइटी दिखाता ड्रोन व्यू कि ऊपर से कैसे दिखता है, मैंने भी कभी देखा नहीं है ना। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ अपनी सोसाइटी को देखने के लिए कि ऊपर से कैसे दिखती है।
Then I sit on my heart, I watched it build up. My bro, he said. तो गाइस अभी आपने देखे हमारे सोसाइटी के थोड़े बहुत ड्रोन शॉट मैंने आपको दिखाया, तो जितना मुझे चलाना आता है, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता, सिर्फ 15 मीटर तक जाता है, तो ज़्यादा ऊपर तक हम इसको ले जा नहीं सकते, छोटा सा है ना। पहाड़ों के लिए नहीं कामयाब है। पहाड़ों के लिए, हाँ पहाड़ों, ये मंगवाया था राजीव अंकल ने दुबई से, तो इसकी 3 बैटरी साथ में है। फाइनली हमारे पास भी ड्रोन आ चुका है, और भी डर है लेकिन इससे। बाकी पीयूष की अभी तक ट्यूशन चल रही है, तो अभी फिलहाल मैं अपना मदर टेरेसा वाला आर्ट वर्क ले आता हूँ जो मैंने फ्रेम करवाने के लिए दिया था, 2 दिन हो गए वो शॉप पे पड़ा है। तो फिलहाल अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे। गिरा मध्यु भाई, तो ये अपना एक कुरियर आया मुंबई से, हमारा बर्थडे गिफ्ट थोड़ा लेट मिला है क्योंकि मुंबई काफी दूर है ना। ये फेस वॉश आफ्टर शेव एंड फेशियल मॉइस्चराइजर, काफी प्रीमियम है, लग्जरी शुगर शॉप। तो थैंक यू विनीत भाई इन सब के लिए, और इन सब के लिए कौन बोलेगा, इन सब के लिए भी थैंक यू। तो अभी फिलहाल हम पियेंगे बुरांस का जूस, मेरा है वो। थैंक यू। तो आजकल हम बुरांस का जूस सभी के सभी भी पी रहे हैं, हर्ट के लिए बेस्ट रहता है। चीयर्स। पीछे मम्मी को दिखा दूं? नहीं नहीं मुझे माफ कर, चिंता नहीं कर, तेरे को जाना बंद करवाना पड़ेगा मेरे को, देखो तू ही जो डर लग रहा क्या, नहीं लग रहा, ताली बजा इतने अपने पेटों के, अपने खतरों के खिलाड़ी। ये छोड़ो, मैं नहीं तेरी जिंदगी कब करवाऊंगी, मैं इस चीज में ताली नहीं बजा सकती, खतरों के खिलाड़ी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज। तो फिलहाल अभी डिनर करते हैं, चावल तो बेस्ट है मम्मी, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई बात नहीं, बच गए तो क्या होगा, खा लेंगे, चक्कर में दोबारा बनाई ने मैंने, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, बर्बाद नहीं करेंगे, खा लेंगे। ये खा रहा है, गिरा रहा है, देखना चार सेट पूरा गिरा रखा है, हाथ से मत खाए अगर गिरता है तो, मम्मी सुन लो इसको बोल दो हाथ से नहीं खाएगा, गिरा देता, देखना सारा साफ कर दियो पूरा। ओलू खाना खा ले वरी, आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर, चलो चलो अंदर चलो। हाँ तो फिलहाल अभी डिनर हो चुका है, मैं सोऊंगा, पूरे पिछले एक दिन से मैं सोया ही नहीं हूँ, पूरी रात ही नहीं सोया था, मतलब ना काफ़ी लोगों को लगता है कि व्लॉगर्स की लाइफ काफ़ी इजी है, ट्रैवल व्लॉग्स में डेली व्लॉगिंग काफ़ी इजी है, नींद का बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रात रात तक जागना पड़ता है, एडिटिंग अपलोडिंग, नींद बहुत कम हो पाती है। तो फिलहाल अपना दूध आ गया है, दिखाना इसमें क्या डाला है, बॉर्नविटा। तो फिलहाल तो बस मैं बस दूध पीऊँगा और सोऊंगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। So I pull up his ass. Dosti, dosti, love fame. Mujhe chahiye more heat. No heat, trust me, yeh dekha bhi bache low seat. Two feet, two red. I'm not chahiye no beef, no heat. Kare tere madhe thole thole. Yeah. I'm a cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma face it.